हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं अपने किचन में और आज मैं नाश्ता बनाऊंगी। तो सुबह के बज रहे थे 7 और ये बोले, और सुबह सुबह हम लोग टहल के आ गए थे। वैसे तो रात में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। तो सुबह तो एक बार मेरा 4:30 बजे नींद खुला था, लेकिन मैं फिर सो गई। मुझे लगा कि शायद बारिश हो रही है, तो 5:30 बजे मेरी नींद खुली। तो फिर हम लोग टहल के आ गए हैं और मैं इनसे पूछी कि नाश्ते में क्या बनाऊं, तो ये बोले कि टमाटर की चटनी बना दो और रोटी बना दो। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं टमाटर काट रही हूँ और टमाटर मैंने 2 लिया है, क्योंकि मैं अपने लिए नाश्ता नहीं बना रही हूँ। तो यहाँ पे टमाटर मैंने 2 काटा हुआ है और एक प्याज और 2 हरी मिर्ची, और साथ में ही मैं यहाँ पे आटा अपना सान ले रही हूँ। वैसे थोड़े से आटा मैंने फ्रिज में भी रखे हुए थे, लेकिन उतने आटे से होते नहीं, तो इसलिए मुझे और आटा गूंथना पड़ा। तो आटा मैंने थोड़ा ज़्यादा ही सान लेती हूँ, क्योंकि थोड़े से रह जाते हैं ना, तो रात में भी मैं बना लेती हूँ। तो उसके बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सारे लोइए बना लेती हूँ। और ये बोले ना कि मुझे थोड़ा सा मोटा वाला रोटी चाहिए। मोटा वाला रोटी ना तवे पे सेक के, फिर आग पे सेकते सेक के खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो इसलिए बोले कि वो थोड़ा मोटा वाला ही तुम रोटी बना दो। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इनके लिए रोटी बना रही हूँ और एक बिल्लू के लिए रोटी बना रही हूँ, उनको दूध में देने के लिए। तो यहाँ पे सारी रोटियाँ बन गई हैं मेरी। देख सकते हैं फ्रेंड्स, रोटियाँ सिक गया है मेरा। और यहाँ पे मैं थोड़ी सफाई कर रही हूँ, क्योंकि रोटी और खाना बनाने के बाद ना गंदे हो जाते हैं, और गंदा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और आ गई हूँ मैं यहाँ पे बर्तन धोने, क्योंकि सुबह के चाय के और नाश्ते के जो भी बर्तन थे, अगर जब भी हम लोग सुबह नाश्ता करते हैं ना, उसके बाद तुरंत मैं किचन की साफ़ सफ़ाई और बर्तन की साफ़ सफ़ाई मैं तुरंत ही कर देती हूँ। इससे क्या होता है ना कि वो मक्खी और किचन क्लीन रहता है, तो देखने में भी अच्छा लगता है और टेंशन भी ख़त्म रहता है कि मुझे सफ़ाई करनी है, सफ़ाई करनी है। तो बस सफाई और किचन की साफ़ सफ़ाई करने के बाद मैं आ गई हूँ खाना बनाने। तो ये जब चले गए ना, तो सुबह के भी बज रहे हैं 11, तो मैं सोची कि खाना भी लगे हाथ बना ही लेती हूँ, उसके बाद नहाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे 3 आलू लिया है और बॉईल करने के लिए मैं कुकर में रख दे रही हूँ, क्योंकि मुझे अंडा और आलू मिक्स वाला बनाना था सब्जी। तो देख सकते हैं, बीच से काट के मैंने आलू कुकर में रख दिया है। आलू मैंने उबलने के लिए रख दिया है, और यहाँ पे देख सकते हैं मैं एक मीडियम साइज़ का प्याज ली हूँ, और आधा मतलब 1.5 प्याज है। तो इसे मैं धो के और बारीक बारीक काट ली हूँ। और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, तो ये जाने के लिए भी रेडी हो गए हैं। और प्याज काटने के तुरंत बाद ना मैं कचड़ा उठा ले रही हूँ, और अंडा भी हमारा उबल गया है और आलू भी उबल गया है। तो मैं इसे मतलब ठंडे पानी से पहले मैं अंडे को रख दी हूँ एक कटोरी में, और आलू पहले मैं छील ले रही हूँ पानी से धो के, क्योंकि आलू में ना थोड़े से मिट्टी वट्टी रहते हैं, इसलिए मैं ठंडे पानी से धो के इसे छील ले रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे रखती हूँ कढ़ाई, थोड़े से अंडा और आलू को तेल में फ्राई होने के लिए। और कढ़ाई रखने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा ही ऑयल डाला है, क्योंकि हमें इसमें बनाना नहीं है, बस आलू और अंडे को फ्राई कर लेना है। तो देख सकते हैं, पहले मैंने यहाँ पे अंडा फ्राई कर लिया है। इससे क्या हुआ है ना कि मेरा आलू थोड़ा सा ज़्यादा उबल गया है, तो वो ज़्यादा ही थोड़ा सा टूटे टूटने जैसा हो गया है, तो इसलिए मैं अंडा और आलू को अलग अलग फ्राई की हूँ। उसके बाद देख सकते हैं मैंने कढ़ाई में डाला है। हेलो गाइस, तो देख सकते हैं अभी मेरा नहाना धोना हो गया है और मुझे अपना शैम्पू करना था, इसलिए मैं थोड़ा लेट ही नहाई हूँ। और दोपहर के बज रहे हैं 1:30 और नाश्ता हो गया है मेरा। खाना खाने का भी बिल्कुल मूड नहीं है। 2-3 बजे के बाद मैं देखूँगी, कुछ मन करेगा तो मैं खाऊँगी। और देख सकते हैं यहाँ पे ये लोग क्या कर रही हैं।
हेलो। और सारा काम ख़त्म करने के बाद ना फ्रेंड्स, ये कपड़े बहुत परेशान करते हैं, तो आ गई हूँ मैं कपड़े फोल्ड करने। जल्दी से इसे फोल्ड कर लेती हूँ, तो बस कपड़े। काम खत्म हो गया है मेरा, और देख सकते हैं यहाँ पे बिल्लू क्या कर रही है मेरी मेरी तो। करती हूँ मैं यहीं पे एंड, मिलते हैं हम नेक्स्ट डे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, लव यू।